असल फ्रेंड्स वेलकम बैक टू तो ठप स्मार्ट ड्रामा सीरियल दिल ही तो है किसी की चाहत का अंदाज़ा बुरे दिनों में बाहु भी लगाया जा सकता है जैसे कि सबरीना ने अबीरा की चाहत का अंदाज़ा लगा लिया कि वो तो मोहित से मोहब्बत करती ही नहीं सिर्फ़ मोहित उससे जुनून की हद तक चाहता था सिर्फ इसी लिए ही उससे मंगनी कर ली और शादी कर ली कि मेरे इशारों पर नाश्ता रहेगा दूसरी तरफ अब मोहित के घर वालों को भी अबीरा की हकीकत मालूम पड़ना शुरू हो गई क्योंकि जब से मोहित का एक्सीडेंट हुआ वो व्हील चेयर पर आया अबीरा ने तो जैसे नजरें ही फेर ली वो बस रस्मन एक दफा उससे मोहित की खुशी की तो इंतहा नहीं उससे तो एक पल के लिए ऐसे महसूस हुआ कि जैसे वो अपाहिज है ही नहीं क्योंकि अबीरा का साथ जो उसके साथ है लेकिन अबीरा ने मोहित को जब इतने करीब से व्हील चेयर पर बैठे हुए देखा बेबसी की जिंदगी जीते हुए देखा तो उसकी सारी खुशियाँ दम तोड़ने लगी अबीरा मोहित से मिलने के बाद जल्द ही वापस चली जाती है और जाकर बहुत परेशान है कि इस इंसान के साथ मैं भला जिंदगी कैसे गुजारूंगी मेरे बहुत से हाथ थे मैं इसके साथ वो पूरे नहीं कर सकती दूसरी तरफ तो सबरीना जो कि अबीरा के आराधों को जान ही चुकी है इसलिए वो मोहित से सवाल करने लगी कि क्या जैसी आप मोहब्बत करते हैं अबीरा से आपको लगता है वो भी वैसी ही मोहब्बत करती होगी तो मोहित बहुत ही खूबसूरती से कहने लगा कुछ लोग मोहब्बत करते हैं और कुछ मोहब्बत को जीते हैं मैं अबीरा के साथ मोहब्बत को जीता हूँ जितना इश्क मैं उसे करता हूँ मुझे लगता है कि मेरा इश्क हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने के लिए काफ़ी है सबरीना जो कि जानती है कि हारून के साथ अबीरा का मिलना जुलना कुछ ज़्यादा ही हो गया इसीलिए वो अब मोहित से पूछने लगी कि आपको बुरा नहीं लगता अबीरा अपने क्लास फेलो हारून से मिलती है तो यहाँ पर मोहित कहने लगा नहीं मैं मोहब्बत में पाबंदियों का काल नहीं मोहब्बत में इम्तिहान देना मुझे अच्छा नहीं लगता उसका जहाँ दिल चाहे जा सकती है जिससे चाहे मिल सकती है हारून उसका दोस्त है मैं जानता हूँ इस बारे में लेकिन जहाँ एक तरफ मोहित उससे इतनी मोहब्बत करता है दूसरी तरफ अबीरा जब हारून से मिलती है तो कहने लगी मेरी तो हर उम्मीद अब टूटने लगी है मुझे नहीं लगता कि मोहित कभी ठीक होगा और उस अपाहिज इंसान के साथ मैं ज़िंदगी नहीं गुजार सकती और वैसे भी मुझे लगता है कि वो मेरी जगह बहुत जल्द सबरीना को दे देगा क्योंकि सबरीना उसके आसपास हमेशा मंडलाती रहती है वो वैसे तो शो करवाती है कि जैसे वो शर्मिंदा है और शर्मिंदगी की वजह से ही वो मोहित के सारे काम करती है क्योंकि एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ लेकिन मैं जानती हूँ कि इनके दरमियान में क्या खिचड़ी पक रही है और मैं ऐसे इंसान के साथ भला ज़िंदगी कैसे गुजार सकती हूँ एक तो वो अपाहिज हो चुका है और दूसरा वो मेरी छोटी बहन को चाहता है तो मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती अब हारून के सामने दो की चार लगाकर सुनाई ताकि हारून उससे हमदर्दी करे हारून तो पहले ही यही चाहता है कि वो मोहित को छोड़े और उससे शादी करे और हारून भी अपने इरादों में कामयाब हो जाएगा उसे तो अपनी मोहब्बत मिल ही जाएगी क्योंकि आज अबीरा ने अपनी माँ से भी दो टोक कह दिया मैं इंतज़ार करूंगी अगर मोहित ठीक हो जाता है तो ठीक है वरना मैं उसे शादी नहीं करूंगी माँ तो बेटी के फैसले पर बहुत परेशान हो जाती है लेकिन फिर माँ को भी लगता है कि कहीं ना कहीं अबीरा बिल्कुल ठीक कह रही है लेकिन फ्रेंड्स आने वाली एक साथ काफी इंटरेस्टिंग है अगर आपने अभी तक आने वाली एक साथ की मुकम्मल जानकारी नहीं ली तो मेरे चैनल पर वो वीडियो मौजूद है जरूर उस वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि आपको मुकम्मल कहानी से आगाही हो सके उसका लिंक मैंने एंड स्क्रीन में लगा दिया है आप यहीं से क्लिक करते हुए वो वीडियो देख सकते हैं ये वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा मजीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें अल्लाह हाफिज़